हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर की रेसिपी। तो ये रेसिपी बनाना बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने बगीचे से कुछ पालक लेके आई और उसे अच्छे से धो ली, और फिर एक बर्तन में थोड़ा पानी डाल के सारा पालक डाल के एक चम्मच नमक डाल के और फिर उसे बॉयल होने के लिए रहने दी। और जब ये अच्छे से बॉयल हो गया तो फिर मैं इसे एक छन्नी में डाल के ठंडा होने के लिए रख दी। और जब तक पालक मेरा ठंडा हो रहा है तब तक ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं 3 अनियन ली हूँ और इसे एकदम रफली चॉप कर लूँगी। उसके बाद मैं ढेर सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, लगभग 4-5 हरी मिर्च ली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डालना। और इसे एकदम दरदरा पीस लूँगी, एकदम फाइन पेस्ट नहीं, हल्का मोटा इसे पीस लूँगी। और मेरा पालक ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसे इसका पेस्ट बना लूँगी। तो मैं जिसमें पालक उबाली थी ना उसी का पानी थोड़ा इसमें डाल के और इसका पेस्ट बना ली। और इधर मैं 250 पनीर ली हूँ, इसे भी अपने जो भी आपको पसंद आया उस शेप में आप कट कर लेना, मैं स्क्वायर शेप में कट की हूँ। तो पनीर कट करने के बाद इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और लगभग 1 बड़ा चम्मच अरारोट पाउडर डाल के मिक्स करके रेस्ट करने के लिए छोड़ी। अब मैं कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाली हूँ। मैं सरसों का तेल ज़्यादा पसंद करती हूँ बनाना, तो सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ। तो मैं सरसों का तेल गर्म हो गया तो अब मैं इसमें पनीर जो रखी थी ना सब मिला के उसे अच्छे से फ्राई कर ली और फ्राई करके निकाल ली। अब उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और तेल डाली हूँ और उसमें जीरा और हरी मिर्च डाल के थोड़ा चटकने दी। उसके बाद जब वो चटक गया तो अनियन डाल के और थोड़े देर के लिए अनियन को फ्राई कर ली, बस उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जब मेरा अनियन फ्राई हो गया तो मैं 1 चम्मच नमक डाली हूँ और 1 चम्मच हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के अच्छे से भून ली हूँ। उसके बाद मैं ये जो पेस्ट बना के रखी थी ना, पूरी फाइन पेस्ट नहीं थी वो, अदरक लहसुन हरी मिर्च की, उसे भी डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर मैं पनीर मसाला डाली हूँ और पनीर मसाला डाल के थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। उसके बाद 1/2 ग्लास वार्म वाटर डालूँगी और इसे अच्छे से पकने दूँगी। और जब ये अच्छे से पक जाएगा ना तो फिर मैं इसमें पालक मिला दूँगी, जो पालक पीस के रखी थी ना वो सब मिला के, और उसे भी अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। और उसके बाद मैं पनीर मिक्स कर दी और इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पकने दी। फिर मैं छौंक लगाने के लिए एक कलछुल में 2 बड़े चम्मच घी ली हूँ, फिर जीरा, लहसुन, अदरक और सूखी लाल मिर्च डाल के अच्छे से चटकने दी। और फिर जो पालक पनीर बन के रेडी था उसमें छौंक लगा दी। देखो कितना प्यारा लग रहा है।